भैया का अकाउंट है तो सब लोग मेरा भैया के अकाउंट को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई लोग, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दो भाई। देखो हम लोग क्या कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे लंका बाजार, वहाँ का जाकर हम नज़ारा दिखाएंगे तो कैसे लोग आते हैं इसे, लोग गाँव में भी लोग कैसे आकर दे दें बाजार खुला है मार्केट शॉप जाकर सभी आपका यूट्यूब चैनल। तो जिस मंजिल के लिए आए थे वो मंजिल पहुंच चुका है। कम से कम हम यहाँ से कम से कम 1100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया है। तो हमारे पीछे की तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लंका लंकेश्वरी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम अंदर की तरफ जाकर दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। हेलो एवरीवन, तो हम जिस मंजिल के लिए आए थे उस मंजिल पहुंच चुका है लंका लंकेश्वरी, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराने काल से एक परंपरा है यहाँ पे। तो हम पंडित जी जो पुजारी जो है उसे दो तीन चार बातें जानेंगे, ये कब स्थापित हुआ था, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम पंडित जी से दो तीन चार बातें जानेंगे। बोलिए कहाँ मतलब कहाँ कहाँ से कब स्थापित हुआ था ये मंदिर? पहले बात की ये मंदिर स्थापित किया हुआ नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। पहले तो लंका में सब जंगल था और जंगल से ही माँ का पूजा होता है, वन देवी जी का सकते हैं। जंगल में एक मंदिर एक स्थापित होता है जो नया जगह पर नया मंदिर बनाकर शिव जी का हनुमान जी का प्रतिमा लेकर आकर यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को बुलाकर मैंने यहाँ स्थापित किया और उस दिन से मूर्ति का पूजा कर। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग मतलब यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का क्षेत्र का इलाका। तो हेलो एवरीवंस, तो हम जान चुका है पंडित जी से बहुत सारे बात जान चुका है कि बहुत पुराने मंदिर है यहाँ, बहुत ट्रेडिशनल मंदिर है यहाँ पे। तो पुराने मंदिर है और 5 जनरेशन चल रहा है हमारा, 5 जनरेशन। हाँ, हमारे पहले हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे, उस समय ब्रिटिश था यहाँ पर और हम तो 7-8 साल के थे। जब हम आए तो गुवाहाटी का पुल नहीं बना था, तराई का। 60 में हम आए, 62 में गुवाहाटी का पुल बना तराई का। तो हेलो दोस्तों, तो ब्रिटिश की शासन की भी बात निकल चुका है यहाँ पे। तो हम वीडियो को अच्छे लगे से लाइक और कमेंट करें। पंडित जी को नमस्ते। तो हम अभी अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये जो शीतला मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हम अंदर की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतला मंदिर जो प्रतिमाशाली माँ की है, देवी की जो मूर्ति है। अब इसकी इसकी मंदिर के सामने और एक मंदिर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका कौन से मंदिर बोले सर, यहाँ पे संतोषी माँ मंदिर है। और हमारे यहाँ पर और देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो हम और फिर हमारे राइट तरफ जो मंदिर है उसके सामने जाएंगे हम, कौन से मंदिर हम जाकर हम सामने की ओर गौर से देखेंगे। तो पुजारी जाते हुए अंदर की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो गेट को खोलते हुए तो ये रहा शिव बाबा की मंदिर है यहाँ पे। तो
तो हम दो पुजारी यहाँ पे हैं, दो तीन चार बातें जानेंगे। जो लंकेश्वरी मंदिर के बाद हम सामने शिव मंदिर के सामने आए हैं, तो पुजारी से दो तीन चार बातें, ये कितने देर स्थापित हुआ है ये मंदिर, कहाँ से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर तो बहुत पुराना है, मंदिर तो कम से कम 1941 का, मतलब अभी मंदिर नहीं बना था, लंकेश्वरी मंदिर जो था पहले तो मतलब पेड़ था, मतलब ये बेल का पीपल का एक पेड़ था, उसके ऊपर मतलब कुछ मूर्ति मिली थी, लंकेश्वरी मंदिर का, लंकेश्वरी माँ का मूर्ति मिला था, और उसका मतलब पूजा प्रचलन तभी से होता आ रहा है। आपने देख रहा है तो भी आप अपने माँ और यहाँ पे आप शिवलिंग जो दर्शन करना चाहते हैं लंका में, तभी आप आए हो तो इस मंदिर में जरूर एंटर करें, जरूर अपने माँ और देवी प्रतिमाशाली की अपने कामनाएं मनोकामनाएं जरूर पूरी करके जाए। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब। जो हमारे जो शिवलिंग के बाद हम आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, ये है दुर्गा मंडप, बहुत बड़े मंडप है, आप हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत बड़े मंडप है, यहाँ पे हम जाकर अंदर की तरफ तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं दुर्गा मंडप है, ये लंका के सबसे बड़े मंडप कह सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पीछे की तरफ बहुत सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े मंडप है, यहाँ पे पूजा। हेलो एवरीवन, तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अच्छे लगने से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर आए इस लंका लंकेश्वरी मंदिर में, आपको अपने मनोकामनाएं पूरी करके।